आज इस वीडियो में मैं आपको ये प्रोजेक्ट एनेक्स में करके बताऊंगी, तो इसे आप इजीली मेथड से आप कैसे यूज करोगे ये चीजें मैं आपको इसमें क्लियर करती हूँ। तो सबसे पहले तो हमें 2D स्केचिंग करनी होगी। तो 2D स्केचिंग आपके पास दोनों व्यू है, तो पहले मैं 2D स्केचिंग कर लेती हूँ। तो सबसे पहले ये वाला व्यू बनाने के लिए हम XY प्लेन यूज करते हैं। तो स्केचिंग में जाकर आप इस प्लेन पे वर्क कर सकते हो, बॉटम प्लेन। ओके, अब आप इसे डायरेक्ट एक्सट्रूड कर सकते हो। लाइक यहाँ से आप एक्सट्रूड कर सकते हो डायरेक्टली। अगर आपका कर्व अगर बीच में एक दो होते हैं तो उस केस में आप फिनिश करो, और जब आप एक्सट्रूड लो तो यहाँ पे ध्यान देना कि यहाँ पे रीजन होना चाहिए। तो जो क्लोज बाउंड्री है हम उसी को लेंगे। ये जो हाइट है ये आप कितना भी रख दो, अभी अभी इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है उतनी, क्योंकि हमें जो इसकी थिकनेस रखनी है वो हमें इतनी ही रखनी है। तो यहाँ से आप ओके करो। ओके, नाउ आप इस जो स्केच है इसको हम हाइड कर देते हैं, एंड देन हम अगेन स्केच करेंगे फ्रंट प्लेन पे। ये जो आपका है तो इस स्पेस पे हमने एक्सट्रेट प्लेन पे किया, एंड ओके। सेंटर मेरा ऑलरेडी है तो हम इसी के प्रोजेक्शन में हमें ड्राइंग बनाएंगे। ओके, तो ये मेरा ये आपका बन गया। तो यहाँ पे जब हम एक्सट्रूड करेंगे तो एक्सट्रूड करते समय आपके पास ऑटोमेटिकली आपके पास यहाँ पे ऑप्शंस आता है बुलियन ऑपरेशन का। अगर आप यहाँ से नहीं करना चाहते तो अदर आपके पास यहाँ से भी ऑप्शन आएगा। तो आप यहाँ से डायरेक्टली इंटरसेक्ट कमांड लो, आप जो भी आप बॉडी सेलेक्ट करोगे आप यहाँ से ओके करो, ऑटोमेटिकली ये आपका आ जाएगा।
ऐसी कोई भी चीज जिसका आपको फ्रंट एंड टॉप व्यू अलग लगे तो उस केस में हम इंटरसेक्ट कमांड यूज करते हैं। आप अगर इसे नन करके यूज करते हो, लाइक मैंने अनडू कर दिया, एंड अगर मैं इसे एक्सट्रूड करती हूँ, तो बस ये ध्यान रखना कि दोनों इंटरसेक्ट होना चाहिए। एंड अगर हम यहाँ से नन लेते हैं तो नन के ऑप्शन में आप क्या करोगे, आप यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आता है देन इंटरसेक्ट, इंटरसेक्ट कमांड आप लो एंड दोनों को आप सेलेक्ट करके आप देन आप इस बॉडी को ले सकते हो। अब आपको ये स्केचिंग की नीड नहीं है तो आप इसे हाइड कर दो। फिलेट आपको दिया हुआ है ऑल रेडियस 2 है, आप ये चीज़ देख लो, ये आपको एवरी फिलेट है। तो फिलेट जब आप लेते हो एज ब्लेंड में आपके पास जब आप ये कनेक्टेड करोगे तो यहाँ से ऑलरेडी टेंजेंट कर्व ले लेगा, यहाँ से आपके पास 2 का रेडियस है। आपके पास यहाँ दो ऑप्शन आता है, सर्कुलर और कॉनिक, थोड़ा सा डिफरेंस होता है। लाइक कॉनिक में थोड़ा सा आपका कॉर्नर एजेस के साथ में आएगा, अगर सर्कुलर लेते हो तो एकदम राउंड में आएगा। सी तो आप यहाँ से आपने ये दिया एंड आप ये भी करना है, तो इन सब में आप फिलेट अप्लाई कर दो एक साथ ही। ओके नाउ अगर ओके आई होप आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू।